तहसील मतौली के क्षेत्र के ब्लॉक बेहजम में पड़ने वाला गांव पंचायत पैरा गांव में एक पीड़ित परिवार जिसका नाम विक्रम राज, पिता का नाम बाल गोविंद राज है, जिसकी कच्ची दीवार गिरने से बाल बाल बचा। पूरा परिवार और मौके की स्थिति पर जांच करने के लिए नहीं पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल, जिससे पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि हमारी कच्ची दीवार गिरने से पूरा परिवार हादसे का शिकार होने से बच गया, मगर किसी भी तरह की जान माल की कोई हानि नहीं हुई और दीवार गिरे को पूरा दिन गुजर गया, मगर प्रशासन की तरफ से क्षेत्रीय लेखपाल मौके की स्थिति पर कच्ची दीवार की स्थिति जांच करने के लिए नहीं पहुंचे और ना ही ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पीड़ित द्वारा पर मिलने के लिए पहुंचे। इससे दीवार गिरने की सूचना ग्रामीण तक पहुंची। पानी में सबसे बड़ी समस्या सड़क खराब होना है, जिसका कारण यह है कि पीड़ित परिवार के मकान से लेकर गांव तक जाने का रास्ता बहुत खराब है। और उस पर बरसात के मौसम का दलदल भरा हुआ है, जिसकी वजह से परिवार वालों का ग्रामीण में आना जाना भी बंद है। इसीलिए किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना घटते ही जानकारी ग्रामीणों को समय से नहीं मिल पाती है। इसीलिए सबसे पहले ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते पीड़ित परिवार के मकान तक ना ही सही तरीके से रास्ता बनवाया गया है और ना ही पीड़ित परिवार को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई भी आवास स्वीकृत करवाया गया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार वाले कच्चे दीवारों के बीच रहकर अपने परिवार के साथ गुजारा करते हैं। इसीलिए परिवार वालों का कहना है कि हमारी आवाज प्रशासन तक पहुंचाई जाए, जिससे हमें कच्चे दीवारों से निकलकर प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और हमारे आने जाने का रास्ता सही कराया जाए, ताकि हमारी आवाज शासन तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही पीड़ित परिवार दीवार गिरने से रहने के लिए बहुत ही संकट का सामना कर रहा है और गरीब परिवार होने की वजह से पीड़ित परिवार को खाने पीने की व्यवस्थाएं तक उपलब्ध नहीं होने की वजह से पीड़ित परिवार भूखे रहकर अपने रहने की व्यवस्था में जुटा हुआ है। इसलिए प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बिना भूखे रहकर परिवार वालों के साथ समय बिता सके। इसीलिए पीड़ित परिवार की समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए और तत्काल प्रभाव से दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। क्या मामला है, क्या समस्या है तुम्हारे? ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी? हमारी ग्राम पहला। अच्छा अच्छा क्या समस्या है? अब समस्या आपके सामने पड़े है, ना घर है, ना मकान है, ना रहने ठिकाना, ना खाने पीने कोई राशन, ना कोई प्रधान ध्यान दे रहा। जिस प्रधान से कहे ना आवाज तो कहे ठीक मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन आज तक किसी प्रधान ने मेरी तरफ निगाह कर उठा कर ना देखा। लेकिन आज वो स्थिति हो गई, देखो सामने वो चूल्हा रखा है, देखो खाना पल्ली डाल के बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। और बच्चे इधर उधर कहीं दूसरे को हाथ लेटा देते हैं, कहीं लेटा देते हैं। ये समस्या है मेरी, और कोई समस्या नहीं। अगर हो सके ना तो सरकार तो योजनाएं भेज रही है, लेकिन गरीबों तक तो कहाँ पहुंच रही है? आज तक का कोई प्रधान से कोई योजना आपको मिली? हाँ, आज तक प्रधान से कोई योजना नहीं मिली हमें। अच्छा अच्छा। कोई भी योजना नहीं मिली है। अब ये है कि अब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ खाने को मिल रहा है। अच्छा, बच्चों को। अच्छा अच्छा। ये दीवार तुम्हारी कैसे लौट गई? अब ये 5-6 दिन पानी बरसा और कच्ची दीवार है। अब कच्ची दीवार धीरे धीरे भीगने पर तो ये तो अंदर से पिघल जाएगी, सीमेंटेड तो है नहीं, तो ये तो गिरना ही। बच गए, यहीं पे हम खड़े थे। अच्छा। बस निकलने वाले थे, तब तक देखे दरवाजा दरवाजा धड़ाम से गिर पड़ा। अच्छा अच्छा। आपके सामने लौटी है सब? ये हमारे सामने क्या, जब हमारे घर में हम जब सीधे मोहरा ही लौट गया तो सामने क्या लौटने? पक्की दीवार कोई भी नहीं है आपके? अरे आप देख लो यहाँ सामने, या जो अधिकारी कभी आए हो कभी आए नहीं, कोई एक भी पक्की दीवार नहीं है यहाँ पे। का कोई अधिकारी आपसे पूछने नहीं आया? कोई भी अधिकारी नहीं आया। आपने सूचना दी कहाँ? अरे सूचना का प्रधान मिल तो कहे धन, तो कहा था ठीक है अब की आएगी दे देंगे। अच्छा, अब की आएगी दे देंगे, बस ये होता है। अच्छा।